हेलो, ये एक टॉपिक है अबाउट कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड क्रस्ट। ये इस पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं रिगार्डिंग कंपोजिशन। अब इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि कब अर्थ का कंपोजिशन पूछा जा रहा है या कब क्रस्ट का कंपोजिशन पूछा जा रहा है। तो जनरली हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थ के कंपोजिशन में क्या रैंकिंग होती है और क्रस्ट के कंपोजिशन में क्या रैंकिंग होती है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए जनरली ये मैंने लिख रखा है और काफ़ी किताबों में भी आपको ये मिल जाएगा। पूरे अर्थ एज अ होल का जो कंपोजिशन है, वहाँ पे आयरन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकन पाया जाता है, फिर मैग्नीशियम पाया जाता है, फिर सल्फर पाया जाता है, फिर निकल पाया जाता है, फिर कैल्शियम पाया जाता है, फिर अल्मोनियम पाया जाता है। ये पूरे अर्थ के बारे में है, पूरे पृथ्वी में ये इस रेशियो से ऊपर से नीचे तक घटते हुए क्रम में मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पूरे अर्थ में आयरन पाया जाता है, उसके बाद में ऑक्सीजन, सिलिकन, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये और अगर आप सबसे कम की बात करो, सबसे कम मतलब सबसे कम का ये मतलब नहीं होता, अर्थ में काफ़ी सारे पदार्थ मिनरल पाए जाते हैं, बट अल्मोनियम की रैंकिंग ऊपर कभी नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी तरफ अगर सिर्फ क्रस्ट की बात करोगे, क्रस्ट जिसको इससे पहले भी मैंने डिस्कस कर रखा है, जो 48 किलोमीटर नीचे तक होता है पृथ्वी में, क्रस्ट मेंटल कोर वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो क्रस्ट में जो भी एलिमेंट पाए जाते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए ये एलिमेंट काफ़ी यूजफुल होते हैं, तो इनका कंपोजिशन भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर अगर आप आयरन करोगे तो नहीं। पृथ्वी में आयरन सबसे ज़्यादा इसलिए पाया जाता है क्योंकि आयरन कोर में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ इसलिए उसकी डेंसिटी और प्रेशर और टेम्परेचर को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आयरन सबसे ज़्यादा कोर में पाया जाता है, इसलिए ओवरऑल पूरे पृथ्वी में आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और मैग्नेटिज्म जो पृथ्वी में है वो भी इसीलिए आ जाता है क्योंकि आयरन कोर में सबसे ज़्यादा है। वो एक जब भी पृथ्वी मूवमेंट करती है तो उसके कारण जो अर्थ का मैग्नेटिज्म भी वहीं से आता है। उसके बाद में सिलिकन, अल्मोनियम, तो ये तीन एटलीस्ट ऊपर के चार, तो चौथे नंबर पर आयरन आता है। देखो यहाँ पर क्रस्ट में, तो क्रस्ट में क्या होता है, क्रस्ट की रैंकिंग है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकन, फिर अल्मोनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये नीचे वाले एलिमेंट्स देखो, आपको सुने होंगे कि जब भी एग्रीकल्चर पढ़ते हैं लोग तो ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें मिट्टी के तत्व के रूप में भी हमें देखने को मिलता है, इसीलिए ये एग्रीकल्चर जब पढ़ाया जाता है तो उसमें क्रस्ट के एलिमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये कन्फ्यूज़न दूर होना चाहिए। आई होप कुछ समझ में आया होगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।